بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ये लेक्चर बेसिकली है मॉडलिंग एंड सिमुलेशन से है, और हम लोग यहाँ पे डिफरेंट मॉडलिंग एंड सिमुलेशन टेक्निक्स स्टडी कर की हैं, लेकिन इसके अंदर एक टेक्निक जो है वो एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन है। उसके लिए हमारे पास टूल है रीपास्ट। ये ओपन सोर्स टूल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इससे पहले और भी कमर्शियल टूल्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है। इसको मैं थोड़ा सा टूल को एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद आगे अगले स्टेप पे जाएंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद आप हमारे इस लर्न न्यू स्किल्स इन कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन रिसीव्ड हो सके। रीपास टूल के लिए हमारे पास जो बेसिकली है, हम क्या यूज करते हैं और किस तरह इसको करते हैं आपको एक्सप्लेन इस लेक्चर में करेंगे। आप गूगल पे जाके आप लिखेंगे रीपास्ट सिम्फनी, ये आपके पास इसका टूल अवेलेबल है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास टूल की वेबसाइट आ गई। ये बेसिकली रीपास्ट जो है सूट, जो जैसा कि मैंने बताया, ये एडवांस्ड फ्री ओपन सोर्स एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन प्लेटफॉर्म के लिए यूज किया जाता है। इससे पहले हम लोग जो यूज कर रहे थे वो हम लोग एनी लॉजिक टूल को यूज कर रहे थे, और एनी लॉजिक की एक अच्छा टूल है जो कि एक कंप्रीहेंसिव सिमुलेशन पैकेज टूल डेवलप किया गया, और ये जनरल पर्पस सिमुलेशन पैकेज टूल है बट इट्स कमर्शियल। और इसकी जो बेस है वो बेसिकली यही रीपास की अप्स पे ये डेवलप किया गया है। ये भी डिफरेंट केस स्टडीज में ये इसको यूज किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन में, सप्लाई चेन में, लेकिन ये बेसिकली यूज जो किया गया इसके ऊपर इन्होंने, इस कंपनी ने डेवलप किया है अपने मॉडल्स को। तो हम इसको रीपास को यूज करते हैं क्योंकि रिसर्च कम्युनिटी जो है वो सारी की सारी रीपास को यूज कर रही है, और इसी के ऊपर वो सारे लोग अपने एजेंट बेस्ड मॉडल और सिमुलेशन बनाते हैं। हम यहाँ पे इवन डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन मॉडल भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको एज अ एग्जांपल एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसको तो आप इसकी रीपास टूल को डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑलरेडी ये मैंने डाउनलोड करके इसको रखा हुआ है। नीचे आपके लिंक है डाउनलोड, यहाँ से विंडो इंस्टॉलर है, मैक का है, लिनक्स का है, और एक लाइब्रेरी है जो कि आपको सैंपल प्रोग्राम सैंपल मॉडल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। एचपीसी के ऊपर भी इसको आप रन कर सकते हैं इसके मॉडल्स को, और भी काफी डिटेल्स हैं वो हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी हम जा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे अभी हम ये रीपास्ट जावा गेटिंग स्टार्टेड का एक जो इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाए, कैसे इसको अप्लाई किया जाए। ओके, सो इस टूल को मैंने डाउनलोड करके पहले ही ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है। हम इसको सिंपली क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। जितनी देर तक ये डाउन का इंस्टॉल होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अभी इसके अंदर जो
ये वाला वर्जन है, इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन में वो रीलोगो को यूज किया जा रहा है, आगे पाइथन भी इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड की गई है मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स को अप्लाई करने के लिए। तो अभी हम फर्स्टली इसको पढ़ रहे हैं जावा के लिए कि जावा में कैसे किया जाएगा, और इसके लिए बिल्डिंग अ सिंपल एजेंट बेस्ड मॉडल है जो कि ज़ॉम्बीज चेजिंग ह्यूमंस एंड ह्यूमंस रनिंग अवे फ्रॉम ज़ॉम्बीज व्हेन वी आर फिनिश्ड द रनिंग मॉडल शुड लुक लाइक फिगर वन, जो बेसिकली ये लुक लाइक अ फिगर, इसके इस तरह की आपकी ये होगी। अब इस मॉडल को हम बिल्ड कैसे करते हैं, इसके अंदर चीजें कैसे की जाती हैं, वो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, इसके बाद हम इसको रन करते हैं। ये बेसिकली पैकेट पे इक्लिप्स को ही यूज कर रहा है, और अगर हम अपनी एनीलॉजिक का आईडी देखें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो वो भी बेसिकली सेम लाइक इक्लिप्स है। तो एनीलॉजिक टूल भी इक्लिप्स पे डेवलप किया गया है। इसकी ऑलरेडी काफी ज्यादा आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाते हैं जो कि आप इसकी इस टूल को लर्न करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इक्लिप्स, इसके लिए डी ड्राइव पे ऑलरेडी मैंने कोई और वर्कस्पेस बनाई हुई है, तो मैं यहाँ पे इसको डी ड्राइव / वर्कस्पेस को उससे पहले रीपास्ट। रीपास्ट वर्कस्पेस लॉन्च। ओके, सबसे पहले इसको जावा के लिए आपको यूज करने से पहले, अभी यहां मेरे पास ये प्रोस्पेक्टिव आ रहे होंगे, यहाँ पे जावा का प्रोस्पेक्टिव है, रीलोगो का है, और आप यहां से ओपन करके रीपास सिंफनी का आप यूज करेंगे, प्रोस्पेक्टिव जो इसका यूज करेंगे, ओपन किया। इसके बाद आप क्रिएट न्यू रीपास प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शंस हैं, और यहाँ पे वो एक प्रोजेक्ट रीपास को क्रिएट कर रहा है और उसका उसने ये प्रोजेक्ट का नाम रखा। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, सिंपली यहाँ पर पेस्ट करें, नेक्स्ट एंड क्लिक फिनिश। नेक्स्ट, यहाँ पे अब इसके इस पैकेज के अंदर जेज़ॉम्बी के पैकेज के अंदर हम वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो क्लासेस क्रिएट करेंगे, आपके यहाँ पे ऑलरेडी ये पैकेज बिल्ड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप सिलेक्ट द न्यू क्लास, ज़ॉम्बी की क्लास एक बनाएंगे, राइट क्लिक न्यू क्लास। ये बेसिकली मेरे पास एजेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे अगर आप इसकी थोड़ी सी डिटेल को स्टडी कर लें यहाँ ऊपर, तो वो ये कह रहा है कि एजेंट डू नॉट नीड टू एक्सटेंड एनी बेस क्लास इंटरफेस, दे कैन बी क्रिएटेड सिंपली यूजिंग द इक्लिप्स न्यू क्लास विजिट, और यहाँ पे इन अवर केस द पैकेज ज़ॉम्बी व्हिच इज सीन इमीडिएटली अंडर द सोर्स डायरेक्टरी। We create two classes, zombie and human. ये हमारे पास दो
जेनेट्स हैं जो कि हम ड्रॉ करेंगे। एक हमने ज़ॉम्बी को क्रिएट कर लिया और नेक्स्ट हम वन मोर क्लास क्रिएट करेंगे। ये टू क्लासेस हमने क्रिएट कर ली और इसके बाद नीचे यहाँ पे गाइडलाइंस आगे दिए हैं कि ज़ॉम्बी क्या करेगा और वो क्या करेगा। बेसिकली यू शुड हैव टू सी zombie.java human.java files। और यहाँ पे एक हमारे रदर इम्प्लीमेंटेशन एट वंस वी विल बिगिन द इम्प्लीमेंटेशन द मूवमेंट। बेसिकली हमने ज़ॉम्बी और ह्यूमन की मूवमेंट करवानी है और जिसके अंदर वो ये चीज कह रहे हैं कि इनिशियली ज़ॉम्बी जो है वो कम होंगे और ह्यूमन ज्यादा होंगे और ये इनको फॉलो करेगा और ह्यूमन इनसे रन वे होंगे और जो ज़ॉम्बी ह्यूमन के साथ टच हो जाएगा वो उसको ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देगा और उसके लिए वो स्पेस हमें चाहिए कॉन्टिन्यू स्पेस एंड अ ग्रिड। Continuous space allows us to use floating point numbers as the coordinates of zombies and human locations और allow जो grid allow us the neighborhood and proximity queries who is near me and using a discrete integrated grid coordinates। So हमने हमारे जो एजेंट्स हैं वो किसी एक एनवायरनमेंट के अंदर मूव होंगे और वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे भी यूज जो किया है वो ग्रिड किया है। एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के ऊपर एक पूरा लेक्चर है वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो उसका बेसिकली बिहेवियर कैसे होता है। यहाँ पे हम जस्ट इस टूल की लर्निंग की चीजों को देखेंगे। ओके सो नेक्स्ट हम क्लास हमने क्रिएट की ज़ॉम्बी की क्लास ऐड की और उसके अंदर हमने ये टू वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट ये करूंगा कि आप इसको रीराइट करने की बजाय आप यहाँ पे करें फाइल इंपोर्ट रीपास एग्जांपल्स और यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल आ रही होगी जे ज़ॉम्बीज अंडरस्कोर डेमो। इसको आप क्लिक करें इस ऑप्शन को। हम बाकियों को भी देखेंगे कि वो कैसे इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है। हम अभी जे ज़ॉम्बीज अंडरस्कोर डेमो जो जावा के लिए क्रिएट किया गया इसको फिनिश कर देते हैं। ये हमारे पास वो बिल्कुल वो वाला ऊपर वाला प्रोजेक्ट है और इसके अंदर मैंने सिर्फ इसको इसलिए किया है ताकि हम फास्टली कोडिंग को कर सकें। तो जैसे यहाँ पे कोड में वो कह रहा था कि आपका ज़ॉम्बी की जो क्लास है उसके अंदर आप टू वेरिएबल्स क्रिएट करें। वो टू वेरिएबल्स ऑलरेडी इसने यहाँ पे ये क्रिएट किए हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये कॉन्टिन्यू स्पेस का एक ऑब्जेक्ट उसने बनाया है और एक ग्रिड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि हमने इन्वायरमेंट दिया है ज़ॉम्बी के लिए इन्वायरमेंट का। फिर इसके बाद नीचे हमारे पास एक उसने क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर। उस कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं इसी क्लास के लिए। एक कंस्ट्रक्टर उसने बनाया उस कंस्ट्रक्टर को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। फिर नेक्स्ट में ये मेथड है स्टार्ट का स्टेप बाय स्टेप वन इंटरवल सिमुलेशन टाइम आपका एग्जीक्यूट होता जाएगा और वो वन स्टेप आगे जाता जाएगा। तो उस चीज को आप कैसे कर सकते हैं मूव फॉरवर्ड है इनफेक्ट है ये जितना भी यहाँ पे कोड आपको दिया हुआ है ये सारा कोड ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है आपके पास। यहाँ पे ये ग्रिड के ऊपर लाइन 3 एंड 4 फील्ड का क्या मतलब है और उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सारी प्रोवाइड की हुई है और इंपोर्ट्स जो ऑटोमेटिकली हमारी हुई है क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड किया है जब कॉन्टिन्यूस को और उसने कॉन्टिन्यूस स्पेस की रिपास की पैकेज को इम्पोर्ट कर लिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे वो स्टेप की बात कर रहा है स्टेप कैसे आपके मूव होंगे वही हम यहाँ से कोड उठाते हैं स्टेप और उसके ऊपर हमने शेड्यूल्ड मेथड बता दिया
वो स्टार्ट वन से होगा और इंटरवल वन होगा। इसका मतलब ये है कि सिमुलेशन स्टार्ट टाइम वन है और वन का टिक परफॉर्म करता रहेगा, और ये इसकी सारी मूवमेंट का है, और इनफेक्ट का इनफेक्ट और मूव फॉरवर्ड होगा हर हर स्टेप पे। हर स्टेप पे ये इसका पॉइंट विद मोस्ट ह्यूमंस हैं, इनफेक्ट किसी को अगर उसने टच कर लिया है, जो भी यहाँ पे आपके पास इन इन सब की इम्प्लीमेंटेशंस हैं, तो हम इन सारी इम्प्लीमेंटेशंस को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इस कोड में एक्चुअली उसने लॉजिक लिखी हुई है कि वो इन्फेक्ट होता है और वो कैसे मूव करता है। ग्रिड डॉट गेट लोकेशन है, पॉइंट ग्रिड पॉइंट कैसे वो लिया जा रहा है, एक का ह्यूमन के ऑब्जेक्ट की लिस्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अरे लिस्ट लिया, और उसके बाद इफ ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट उसके करीब है या उसके साथ इंस्टेंस ऑफ उसके करीब है तो वो उसको उस लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। ये पूरा है उसका एक्सप्लेन किया इसने। और सेकेंडली ये मूव इज इक्वल टू ट्रू, ये वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे हमने क्रिएट करना था, एक मूव वेरिएबल जो कि हमने पहले नहीं क्रिएट किया। तो इसी तरह ह्यूमन के इसको हम कंप्लीट को कॉपी करके यहां पे इसको डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास ह्यूमन का आ गया, और इसकी सारी एक्सप्लेनेशन हमारी ये यहां पे इसने कोड में लिखी हुई है इस चीज की। और एक रिपास्ट और एनालॉजी के अंदर जो मेन मेजर डिफरेंस वो ये है कि उसके अंदर विजुअलाइजेशन ज्यादा है, आप जस्ट एजेंट क्रिएट करते हैं और उस एजेंट के मेथड और फंक्शन ऑटोमेटिकली आपको डिफाइन किए जाते हैं, और जावा कोड उसके अंदर भी लिखा जाता है। और यही मॉडल अगर हमने उसके अंदर बनाना हो तो हमें ये कुछ चीजें इसके अंदर ऐड करनी पड़ेंगी, लाइक इसके अंदर वॉच का है, ये इसकी क्लास नेम है वॉच, जेजोम्बी का है, बिलियन की इंटरवल है, इसकी एक्सप्लेन है, ये वहां पे आपको ऑलरेडी दी हुई है। इनको हम लोग स्टडी करते हैं, ये मॉडल की बेसिकली डिटेल है कि कैसे वो वर्क करेगा। तो हमने यहाँ पे एट द मोमेंट दो टू एजेंट्स क्रिएट किए हैं, जॉम्बी एंड ह्यूमन के, कैसे हम इसके एजेंट्स क्रिएट करते हैं, फिर उनकी फंक्शनैलिटी कैसे ऐड की जाती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके नेक्स्ट, अब इसके अंदर जो यहां पे ट्यूटोरियल में आपको दिया होगा, ये ह्यूमन की क्लास पूरी क्रिएट की गई है, उसके रन के अंदर कोड आपका रन का मेथड है, मूव टू वर्ड्स है, और वॉच का वो जो ऊपर टॉप पे उसने एक एनोटेशन यूज किया था, वॉच एनोटेशन ऑन रन, ओके। सो इस पैकेज में जो आपने एक्चुअली बिल्डर बनाना है, जो कि आपकी उस चीज का है, आपके मेजर मॉडल का है, उसका बिल्डर की फाइल आप क्रिएट करेंगे, उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक यहाँ पे करके न्यू क्लास जे बिल्डर, और इसके अंदर जो इंटरफेस आप ऐड करेंगे वो कॉन्टेक्स्ट बिल्डर, ये आपका कॉन्टेक्स्ट बिल्डर है, ये इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इंटरफेस ये वाला ऐड करेंगे, और क्लिक ओके, ये बिल्डर आ गया। यहाँ पे आप इसके टी को ये चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, और इसको आप फिनिश कर देंगे। ये हमारे पास इसका मॉडल की फाइल आ गई। अब नेक्स्ट, यहाँ पे उस बिल्डर के कॉन्टेक्स्ट को मैंने पहले ही ऑब्जेक्ट कर दिया था, तो इसलिए ये वाली इंस्ट्रक्शंस उसने पहले ऑलरेडी ही वो बिल्ड का कॉन्टेक्ट यहाँ पे बना दिया है ओवरराइड का।
अदरवाइज आप अगर यहाँ पे टी रखते तो वो नीचे उसने नहीं क्रिएट करना था, फिर आपको बाद में क्रिएट करना पड़ना था। इसके बाद नीचे अब इसका इसका जो आपका कॉन्टेक्स्ट बिल्ड का जो है उसके अंदर आप कोड क्या लिखेंगे, आप यही कोड उठा लें या आप इसको भी यहां से कॉपी कर लेते हैं। ये टू लाइंस को मैं फिनिश करके उस कोड को एक्स्ट्रा भी ओके। इसके बाद ये हमारा कोडिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज आपको ठीक करनी पड़ेगी, वो ज़ॉम्बी के मॉडल में, क्योंकि मैंने एग्जांपल कोड उठाया, एग्जांपल कोड में कुछ उसने चीजें एक्स्ट्रा दी थी सॉरी जे बिल्डर के कोड में। यहाँ पे ये जो काउंट पैरामीटर से ले रहा है, ये पैरामीटर अभी नहीं है, तो मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को यहाँ पे अभी ऑफ कर दूं और यहाँ पे इसको ऑन करके एक इंटीजर वैल्यू दे देते हैं। एग्जांपल 5 ज़ॉम्बी काउंट्स हैं, इसको भी ऑफ कर देते हैं और 100 ये इसकी इनिशियल को मैंने वो दी है, वैल्यू सेट की है इनिशियल इसकी। ये एक नेटवर्क बिल्डर क्रिएट कर रहा था, इंफेक्शन नेटवर्क है, नेट बिल्डर डॉट नेटवर्क बिल्ड नेटवर्क है, कंटिन्यूअस स्पेस फैक्ट्री एक उसने क्रिएट किया है और उसके पास स्पेस है और ग्रिड फैक्ट्री एक क्रिएट करके ग्रिड को उसने उसकी डिक्लेरेशन की है और फिर उसके बाद ज़ॉम्बी को एवरी ज़ॉम्बी जो हमने बनाया उसकी उसकी एक स्पेस और ग्रिड उसकी सेटिंग कर दिया, कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड न्यू ज़ॉम्बी जो भी है और कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐड कर लिया। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास क्या था, एक सेट आईडी था जो हमने स्टार्ट पे लिया था। फिर उसके बाद 100 ह्यूमन क्रिएट किए हैं, उनको भी हमने स्पेस और विद एनर्जी भी उनको हमने अलॉट कर दी है और ये एनर्जी जो है ये उस वो डाउन करता जा रहा होता है और इसके बाद आगे ये सारा इसका है और वो कहता है एंड जो है वो 20 पे इसका करेगा, एनवायरमेंट गेट इंस्टेंस एंड 20 पे इसको कंप्लीट कर लेगा। ये हमारे पास मॉडल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट पे इसके अंदर जो और एक कुछ चीजें जो ऐड की जाती हैं वो एक आप चेंजेस करते हैं ज़ॉम्बी में context.xml फाइल, इसके आप सोर्स पे चले जाएं। इस सोर्स पे आप टू वैल्यूज अलॉट करेंगे जो कि बेसिकली मैंने यूज किए हैं यहाँ पे आप मॉडल में, ये एक ग्रिड और एक स्पेस, इन दोनों को जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें डिक्लेयर करना होता है, स्पेस को और ग्रिड को, इनके लिए आप ये कर सकते हैं। ये बेसिकली यहां पे भी इसका दिया हुआ है, ये कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग का सारा मॉडल, कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास फाइल जो मैंने अभी ओपन की थी, ये वाली ये उस फाइल की ये बात कर रहा है और ये दो प्रोजेक्शन इसके अंदर ऐड करने हैं। यहां से मैं कॉपी करूंगा तो इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं वो मुझे ठीक करनी पड़ेंगी। चलो कर लेते हैं, सॉरी ये एक्स्ट्रा उसने स्पेसेस उसके अंदर ऐड कर दी हैं, ये अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो ये एरर जनरेट करेगा।
Okay, it's done. Now, next हम इस मॉडल को एग्जीक्यूट करते हैं. ये मेरे पास यहाँ पे मेरे पास दो आ रहे होंगे, एक ये जे जॉम्बी, ये नीचे वाला मॉडल है जो कि मैंने इम्पोर्ट किया था, और ये मेरे वाला मॉडल है जो मैंने क्रिएट किया. इसको अब आप क्लिक करेंगे. ये भी थोड़ा सा विजुअलाइज आपको चीजें करके देते हैं. वार्निंग है वो. ओके, बिफोर इसको रन करने से पहले हम यहाँ पे एक डाटा लोड एक क्रिएट करेंगे. डाटा लोडर्स, राइट क्लिक, सेट डाटा लोडर्स. ये कुछ दो चीजें हमें बतानी पड़ेंगी सिनेरियो ट्री के अंदर. एक डाटा लोडर्स में जाके सेट डाटा लोडर करेंगे, और यहाँ पे हम उठाएंगे कस्टम कॉन्टेक्ट बिल्डर है हमारे पास. इम्प्लीमेंटेशन की है हमने कस्टम कॉन्टेक्ट बिल्डर की, इसको नेक्स्ट करेंगे, और वो हमारा वो ऑटोमेटिकली उसने उस क्लास को पिक कर लिया. नेक्स्ट एंड फिनिश. ये हमारा वो मॉडल था जो हमने वहां पे वो बताई थी. और एक हम इसके अंदर डिस्प्ले क्रिएट करेंगे. राइट क्लिक, एड डिस्प्ले, न्यू डिस्प्ले है, और डिस्प्ले की प्रोजेक्शन में हम स्पेस को यूज कर रहे हैं. स्पेस को एड करेंगे. नेक्स्ट, यहां पे हमारे पास जो एजेंट है ह्यूमन और ज़ॉम्बी, ये हमारे एजेंट्स हैं, इनको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे. एजेंट सिलेक्शन है. नेक्स्ट, यहाँ पे ह्यूमन और ज़ॉम्बी, सॉरी प्रीवियस में ज़ॉम्बी जो है वो मेरा अपवर्ड होगा. नेक्स्ट ज़ॉम्बी, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं कहते हैं कि इसका जो बेसिकली वो यूज कर रहा है, वो स्केयर को यूज कर रहा है और रेड कलर को यूज कर रहा है एग्जाम्पल में. इसको मैं रेड 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 कलर ओके कर लिए एंड ओके. और ह्यूमन का एज इट इज उसको मैंने रहने दिया. नेक्स्ट किया. फिर इसके बाद आप ये स्पेस है, स्पेस यूनिट साइज 15 है, बॉक्स है, बॉक्स बाउंड्री ब्लैक है. नेक्स्ट किया. स्टार्ट टाइम 1 से स्टार्ट होगा, इंटरवल ये है, और रिपीट करना है 1 टाइम है, या क्या आप इसकी फ्रीक्वेंसी करना चाह रहे हैं. लास्ट प्रायोरिटी जो है वो लास्ट पे है, और फिनिश करते हैं. ओके, ये मैंने इसकी सेटिंग की, इसको मैंने सेव कर लिया इस सेटिंग को. अब मैं इसको इनिशियलाइज करता हूं. ये वो जो मैंने 100 ह्यूमन क्रिएट किए थे, और इनको मैंने एक्सप्लेन किया था इसके अंदर. ये उसने पूरा नेटवर्क क्रिएट किया है. 5 ज़ॉम्बी हैं, ह्यूमन काउंट 100 है, वो उसने ड्रॉ कर दिए यहाँ पे 5 जो रेड्स उसको मैंने किए थे, और इस तरह इसने इस चीज को किया. अब हम स्टेप बाय स्टेप वो मूव करते हैं, और जिससे वो टच हो रहे हैं वो उसको वो वाली ऑप्शंस पे करते जा रहे हैं. इसको आप कंप्लीट रन करें तो ये कंप्लीट इसकी एग्जीक्यूशन करने के बाद इसको मॉडल एग्जीक्यूशन. ये हमने या इसको जितना हमने कंप्लीट किया है वो हमने यहां तक इसको रन किया है. इस कंप्लीट स्टेप्स को जितने स्टेप्स पे ये सारे स्टेप्स परफॉर्म किए. ये एक्चुअली ये वाली इंप्लीमेंटेशन मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ. ये भाई ये इनफेक्ट का मेथड उसने यहाँ पे कहा है कि आप zombie.java फाइल को ओपन करें और उसके अंदर इनफेक्ट का मॉडल ऐड करें, तो वो उसको ऐड कर रहा है. इन्फेक्शन नेटवर्क मैंने बिल्ड किया था. कंटिन्यू स्पेस ग्रिड, और अब आपका प्रोजेक्शन नेटवर्क ऐड अप हो जाएगा.
अब हमारे पास इंफेक्शन नेटवर्क भी एक हमारे पास आ जाएगी प्रोजेक्शन, और इसको मैं ऐड करता हूँ। एक्चुअली कोड में तो मैंने इसको ऐड कर लिया था, यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल नहीं दी थी, इसको क्लोज करते हैं। वो ये प्रोजेक्शन मैंने वो वहां पे तो सारी ऐड कर ली कोड के अंदर, यहाँ पे अब ऐड कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप उसको परफॉर्म कर रहे हैं। इस प्रोजेक्शन को ऐड किया, अब इस मॉडल को मैं रन करता हूं तो इसके अंदर जो रिमेनिंग जो थिंग्स हैं अब यहां पे इस प्रोजेक्शन को ऐड करने के बाद वो डिस्प्ले सिनेरियो ट्री में क्लिक ऐड डिस्प्ले इन द डायलॉग बॉक्स। अब सिलेक्ट अवर स्पेस एंड इन्फेक्शन नेटवर्क प्रोजेक्शन एज द वन वांट डिस्प्ले, क्लिक ऑन द स्पेस इन द प्रोजेक्शन सेक्शन देन क्लिक ऑन द राइट पॉइंट टू ग्रीन इन्फेक्शन नेटवर्क भी अब आपको ऐड करना है। तो वो काम मैंने यहाँ पे किया था, इसको ओपन कर लेते हैं जर्नल में स्पेस। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं, राइट क्लिक एडिट। ओके, इसको डिलीट करके दोबारा ऐड कर लेते स्पेस एंड नेटवर्क वॉमी को ऊपर कर लेते हैं, यहां पे इसको हमने स्क्वेयर किया था। ओके, यहाँ पे जो वो एजेंट्स हैं उनकी अब इमेजेस हम लगा सकते हैं, तो उसकी भी उसने एक्सप्लेन थोड़ा सा किया है। कॉपी द ज़ॉम्बी एंड पर्सन पीएनजी फाइल्स फ्रॉम द आइकन डायरेक्टरी। इस डेमो में आइकन डायरेक्टरी के अंदर वो आइकन्स पड़े हैं, तो व्हाई नॉट हम इन आइकन्स डायरेक्टरी को यहाँ से इसको, ये दो आइकन्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, तो इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और इनको इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूं। और वो क्या आइकन ऑलरेडी है मॉडल पीएनजी, मॉडल पीएनजी पर्सन और ज़ॉम्बी, ये टू इमेजेस आइकन जो है यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे प्रीवियस पे TPS ज़ॉम्बी के लिए क्लास इसी का है और सिलेक्ट आइकन फाइल, ज़ॉम्बी सिलेक्ट कर लिया और उसका कलर रेड कर दिया। ओके, इसी तरह ह्यूमन का सिलेक्ट आइकन पर्सन उसको क्लिक कर लिया। ओके, नेक्स्ट। ये वो कलर्स की ऑप्शंस की बात कर रहा था जिसको मैं परफॉर्म किया। ओके, क्लिक किया मैं, क्लिक एडिटर, क्लिक सेलेक्ट आइकन फाइल, आइकन डी, क्लिक ओके, क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट एंड मोर द बटन इन द एज स्टाइल कॉम्बो बॉक्स एंड क्लिक द बटन विद द कलर ऑन द एज कलर। इस
एच कलर को वगैरह ब्लैक कर दें। जब हमारे पास उस चीज का है यहाँ पे आगे हम डेटा कलेक्शन स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं कि हमने किस चीज का डेटा कलेक्ट करना है और मॉडल की क्या इसके अंदर डेटा हमारे पास क्या लेना चाहिए, क्या डेटा सेट हम बना सकते हैं एड डेटा सेट। और उसके लिए आपको इसको हम स्टॉप करते हैं, अगेन रन। जो स्टेटिस्टिक्स परफॉर्म कर रहे हैं एक्चुअली इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसमें काफी चीजें हमें खुद इसकी खुद से ऐड करनी पड़ेगी। डेटा सेट पर राइट क्लिक किया, ऐड डेटा सेट, और यहाँ पे हमें क्या गाइड कर रहा है, डेटा कलेक्शन सेटअप डिफाइनिंग डिस्क्राइबिंग दिस डेटा सोर्स ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट थिंक अ डेटा सेट ऑफ द टेम्पलेट फॉर द producing tabular data where each column represent the data source and each row or value return the data source. To add the data set, editor पे गए, aggregate as a data type, aggregate next, इसके बाद such columns are considered aggregate collection in that they are collection of presents. टिक अकाउंट हमने यहाँ पे किया, ये टिक अकाउंट के ऊपर सिलेक्शन की और इसके बाद नेक्स्ट पे चले गए। डेटा सोर्स एट ह्यूमन और उसका अकाउंट डेटा सोर्स टैब और ह्यूमन
ये एक्चुअली फाइल हम स्टोर करवा सकते हैं यहाँ पे। वो हमें बता रहा है कि क्या आप चीजें लेना चाह रहे हैं, मॉडल डॉट आउटपुट फाइल है, किस जगह पे आप इसको स्टोर करना चाह रहे हैं, लाइक माय डॉक्यूमेंट्स में। डेलिमिटेड है, टेबुलर है, लाइन है, इंसर्ट करंट टाइम इनटू द फाइल है, फिनिश। ये एक फाइल क्रिएट कर देगा। इस सिनेरियो को हम सेव करते हैं। चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ये चार्ट है, एड हिस्टोग्राम या टाइम सीरीज चार्ट, आप कौन सा क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं उसमें चार्ट की ऑप्शन कौन सी है। टाइम सीरीज, यहाँ पे हम टाइम सीरीज का चार्ट ऐड करते हैं। नेक्स्ट, टिक काउंट एक्सेस एक्सिस, ये पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसको हम फिनिश करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारे पास है, इसकी एग्जीक्यूशन में आपके पास यहाँ पे कंसोल में, तो इसको मैंने किया था ओके। इस तरह हम रिपॉज को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें हमें हमारी हमें कोड करना पड़ेगा। कोडिंग इसमें ज्यादा है और ड्रैग एंड ड्रॉप कम है। हमें चीजें खुद से बनानी बतानी पड़ेंगी। और हम इस और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये ओपन है, और वो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस ओपननेस का फायदा क्या होगा हमें। अगर आप इस टूल के ऊपर ट्रेंड हो जाते हैं एजेंट बेस्ड मॉडलिंग के लिए, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम इन चीजों को कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको जावा लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी चाहिए। एनीवे, आप एनी लॉजिक में भी जब आप आगे चल के काम करेंगे, तो आपके आप अपने मॉडल्स के अंदर जावा को यूज करेंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप इसके अंदर नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। और भी अगर आपको कोई चीजें इसके अंदर पूछनी है, वो पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट जो हम इसके अंदर करेंगे, वो नया एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। जीआईएस एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, और उन वहां पे हमने एजेंट्स एजेंट्स को ऐड करना है एक एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये आपके पास ओपन ऑप्शन है। इसके अंदर हम फ्रीली एवरीथिंग वी कैन डू रिपास में। एनी लॉजिक में हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, आगे चल के हमारे मॉडल में प्रॉब्लम्स ये होंगी कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। और अगर हम इस टूल को उस टूल को परचेज करने जाएंगे, तो फिर हमें उसकी एक एक अच्छी खासी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इसलिए कोशिश यही है कि हम रीपास मॉडल पे ट्रेंड हों। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।